जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने दशरथ जी के विवाह के बारे में काफ़ी कहानियां और कथाओं को सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यह कथा बहुत अलग ही है। दोस्तों, आपने सुना होगा कैकेयी का विवाह और माता कौशल्या का विवाह जो राजा दशरथ जी के साथ हुआ था, लेकिन आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कथा माता सुमित्रा के विवाह के प्रसंग की है। माता सुमित्रा किसकी पुत्री थी, उनका विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ था, इन समस्त कथाओं को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। माता कौशल्या का विवाह, उनके पिताजी का नाम था सकौशल जो कौशलपुर के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था कौशल्या, और कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति, और अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ से कर दिया, साथ में एक दासी को भी दिया जिसका नाम था मंथरा। इसके बाद राजा दशरथ सुखपूर्वक अयोध्या में निवास कर रहे थे। एक दिन सिंघल राज के राजा सुमित्र के अत्यंत रूपवती सुमित्रा नाम वाली एक योग्य कन्या थी। कन्या को देखकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि कन्या के योग्य वर इस समय हमें कहाँ प्राप्त होगा। चक्रवर्ती राजा दशरथ को सभी जानते थे, उनका नाम सुनकर राक्षस तथा गंधर्व कांपते थे। तब शीघ्र ही राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर अयोध्या नगर जाकर राजा दशरथ को लाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक चल दिया और शीघ्र ही अयोध्या नगर में जा पहुँचा। ब्राह्मण को देखकर राजा दशरथ ने उसे प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं सिंघल देश का राजपुरोहित हूँ, आपको ले जाने हेतु हम यहाँ आए हैं। राजकुमारी सुमित्रा परम सुंदरी है, उसके रूप सौंदर्य से सिंघल नगरी अलौकिक है। राजकन्या की समता का रूपवान वर किसी देश में नहीं है, अतः अत्यंत प्रसन्नता के साथ राजा उसे आपको प्रदान करेंगे। कन्या के विषय में सुनकर राजा दशरथ प्रसन्नतापूर्वक सुमित्रा के पति बनने की इच्छा करने लगे। पीछे कौशल्या और कैकेयी को भी ज्ञात हो गया। मृगया के बहाने यानी शिकार खेलने के बहाने राजा निकल पड़े और नाना प्रकार के वाद्य नाद करते हुए राजा दशरथ सिंघल नगर पहुंच गए। आने का समाचार सुनकर सिंघल नरेश ने आर्धपाद प्रदान करके उनकी पूजा की। दशरथ का मनमोहक लावण्य देखकर लोग कहने लगे, भाग्यवश कन्या के योग्य वर मिल गया है। नंदी मुख श्राद्ध आदि शुभ कर्म करने के बाद दोनों कुल धर्म का पालन किया। गोधूल वेला में वर कन्या दोनों में परस्पर एक दूसरे को देखा, दोनों की छवि से वसुंधरा अलौकिक हो उठी। राजा कुसुम सैया पर शयन करने लगे और आलस्य अचेत हो रहे थे। राजा दशरथ का विवाह उनकी मनचाही कन्या सुमित्रा से हो चुका था। राजा दशरथ का विवाह करने की इच्छा ये थी कि राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सुमित्रा से विवाह किया था। वह सुमित्रा के दुर्भाग्य का वर मांगने लगी। राजा तीनों रानियों के साथ भोग विलास से लिप्त रहता था। उसने सुखपूर्वक बहुत समय तक पृथ्वी पर शासन किया। पुत्र ना होने के कारण राजा का मन बहुत दुख से जलता था। उन्होंने 750 विवाह किए। 750 में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा या तीन रानियां मुख्य थीं। इनमें सुमित्रा परम सुंदरी थी, उसके रूप से अयोध्या नगरी अलौकिक थी। काल रात्रि में संयोग के प्राणों से अधिक देखने लगे। वह दिन रात कैकेयी को लिए आराम से अपने महलों में रहा करते थे। सदैव राजा सुख के सागर में ही रहे, परंतु दुर्देव के कारण अयोध्या नगर में अनावृष्टि हो गई। वृष तथा रोहिणी में शनि के मगन से अनावृष्टि का योग बन गया था। राजा तो अपनी पत्नी के साथ संभाषण में ही निमग्न रहे, उन्हें राज में पड़े संकट का ध्यान नहीं आया। संपूर्ण अवध का राज पदग्रस्त हो गया था। तभी वहां नारद जी आ पहुँचे। राजा ने अर्धपद देकर बैठने को आसन प्रदान किया। मुनि की पूजा करके राजा बैठ गए। नारद ने कहा, हे राजन, हम तुम्हें विज्ञापित करने आए हैं। इंद्रवृष्टि करके सारे संसार का पोषण करता है, तुम्हारे राज में अनावृष्टि से सभी कष्ट में हैं। हे राजन, तुम कामनियों को लेकर सुख भोग रहे हो, प्रजा नरक में पड़ी दुख पा रही है। राजा ने कहा,
कि हमने तो किसी को दंड देने का अकार्य नहीं किया है, किस कारण से किस प्रयोजन से मेरी निंदा की जा रही है। हम सब अपने कर्म फल के अनुसार दुख पा रहे हैं, मेरा कोई दोष नहीं है। प्रजा मुझे वैसे ही दोष दे रही है, मेरी कोई गलती नहीं है। नारद ने कहा, हे नृप चूड़ामणि, सुनिए, शनि की दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ी रही है, इसी कारण से राज्य में अनावृष्टि हो गई है और प्रजा दुखी हो रही है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। राजा दशरथ छत पर चढ़कर राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले। वह उत्तर दिशा में गहन वन में गए। वहाँ राजा ने जल जंतु तथा पशु पक्षी की दशा को देखा। नदी नदी सरोवर सब जल में अभाव से सूखे पड़े थे। दिवसान की बेला में राजा वृक्ष के नीचे बैठा। उस वृक्ष की डाल पर सुख और सारिका नाम का दो पक्षी वहां पर बैठे हुए थे। रात्रि के शेष होने पर पक्षियों की निद्रा भंग हो गई। पक्षिणी ने अपने पक्षी से कहा, इस वन में रहते हुए हमें बहुत काल बीत गया है, नित्य उपवास करके कितना कष्ट भोगते रहेंगे। सूर्यवंश के राज्य में मैंने कभी दुख का अनुभव नहीं किया। 14 वर्ष अन्न जल के अभाव में बीत गए। अनावृष्टि के कारण वृक्षों में फल नहीं है, नदी नद सरोवर जल नहीं है। राजा प्रजा को पालन पोषण करने की चेष्टा नहीं कर रहा है, रात दिन स्त्री को लेकर अंतःपुर में पड़ा रहता है। कष्ट पाकर और कितने दिन अनाहार बीत जाएंगे। अतः हे स्वामी, चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पक्षी ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो, क्या मैं तुम्हारे कहने से इस वन को त्याग दूँ? सतयुग से हम इसी वन में वास करते हैं, यहाँ पर हमारी 50 पीढ़ियाँ बीती हैं। यह दुख मेरा ही नहीं, संसार दुखी है। इस दुख से राजा का मन भी दुखी है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहीं भी हमारी मृत्यु होगी। तुम्हारे कहने से मैं इस वन को छोड़कर नहीं जाऊँगा। पक्षिणी ने कहा, हे स्वामी, मेरी बात सुनो, पातक के राज में रहने से जीवन नष्ट हो जाएगा, जल के बिना श्वास रुद्ध हो जाएंगे, प्राण व्याकुल हो जाएंगे। चलिए सागर तट पर चलते हैं और जल पिए। वह दोनों इस प्रकार चर्चा कर रहे थे। वृक्ष के नीचे राजा दशरथ उसे सुन रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि यह तो नारद जी की बात प्रत्यक्ष सामने आ गई, पक्षी द्वारा मेरी निंदा की जा रही है, यह सामने की दिख रहा है। मैं समझ गया, इंद्र बड़ा चतुर है, वह कहता है कुछ और करता है कुछ। मेरे पितामह रघु ने इंद्र को लाकर अयोध्या में सेवा के लिए नियोजन कर लिया था। यदि मैं आज इंद्र को पकड़कर अपने घर में ले आऊं, तो मेरा नाम दशरथ नहीं। रात्रि बीत जाने पर भोर होने पर राजा दशरथ का मन दुखी हो गया। प्रातःकाल होने पर राजा ने दोनों पक्षियों को देखा। तब पक्षी ने कहा, अरे पापिनी पक्षिणी, मेरी बात सुन, तूने पक्षिणी होकर राजा की निंदा की है, वह सब कुछ दशरथ ने अपने कानों से सुना है। राजा सब भेदी बाण चलाकर प्राण हल लेगा। प्राण के मोह से पक्षी ऐसा कहते हुए अंडे बच्चों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गया। त्रस्त होकर पक्षी भाग जा रहा था, तब राजा ने हाथ उठाकर उसे आश्वासन दिया। दशरथ ने कहा, हे पक्षी, तुम भयभीत होकर मत जाओ, अपने आवास में आकर बैठो। अरे पक्षिणी, तेरी बातों का कोई दोष नहीं है, तेरी बातों से ही अब मुझे ज्ञान आ गया है। इस वन में जितने भी आम और कटहल हैं, सभी आज से पक्षियों को दे रहा हूँ। पक्षियों को प्रबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपने वास स्थान में रखकर राजा दशरथ इंद्र के नगर में जा पहुँचे। दोस्तों, अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सुमित्रा के विवाह के बाद का प्रसंग यहाँ से समाप्त करता हूँ। अगर आपको इसका भाग 2 चाहिए, यानी दूसरा भाग चाहिए, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, तो मैं ज़रूर आपके लिए इसका दूसरा पार्ट बनाऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर बोल के जाना। लेते हैं विदा, जय श्री राम। राजा दशरथ